हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चंस कर रहे थे राजस्थान जीके के। जो 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट हमने अभी तक कवर कर लिए हैं इस डिस्ट्रिक्ट, और इस वीडियो में हम बात करेंगे अजमेर डिस्ट्रिक्ट की। अजमेर डिस्ट्रिक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो यहाँ हम देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट है, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गाँव है। तो राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गाँव है, ये है मसूदा गाँव। नेक्स्ट है, केंद्रीय बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र है। तो केंद्रीय बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र है, ये है रामसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये है तबिजी में स्थित है। देवताओं की उपनगरी के रूप में प्रसिद्ध है। तो देवताओं की उपनगरी के रूप में प्रसिद्ध है, ये पुष्कर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान ये तबजी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवताओं की उपनगरी के रूप में प्रसिद्ध है। तो देवताओं की उपनगरी के रूप में प्रसिद्ध है, ये है पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर जिले का लिंग अनुपात कितना है। तो अजमेर जिले का लिंग अनुपात है 910। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार अजमेर जिले का 0 से 6 आयु वर्ग का लिंग अनुपात कितना है। तो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंग अनुपात है 901। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार अजमेर ज़िले की साक्षरता दर कितनी है। तो जनगणना 2011 के अनुसार अजमेर ज़िले की साक्षरता है 69.33%। राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी या गुलाब कहाँ स्थापित की गई है। तो राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी गन्नाहेड़ा पुष्कर में स्थापित की गई है। राजस्थान की प्रथम पुष्प राजस्थान का एकमात्र छावनी बोर्ड स्थित है। तो राजस्थान का एकमात्र छावनी बोर्ड है नसीराबाद। किस रानी ने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। तो रानी सोमलेखा ने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। राजस्थान में अजमेर में सहकारिता का उदय कब से माना जाता है। तो सहकारिता का उदय 1904 से माना जाता है। आतेड़ा की छतरिया किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है। तो आतेड़ा की छतरी है, ये है दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है। सोनाजी की नसिया मंदिर अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सोनाजी का नसिया या जैन मंदिर है, ये अन्य लाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। व्यापार की अनुमति लेने हेतु इंग्लैंड के राजदूत टॉम्स रो ने जहांगीर से मुलाकात किस दुर्ग में की थी। तो जहांगीर से मुलाकात की थी अकबर का किला में। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए थे। तो राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए थे, ये हुए थे तारगढ़ के दुर्ग पर। गुंजल असरार व अनिशुल अरवाहा पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं या रची गई हैं। तो ये पुस्तकें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा रचित हैं। किसने कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया। तो प्रतिष्ठित किया था, ये किया था गुलाबो बाई ने। नेक्स्ट है, किस मुसल शासक द्वारा गणपतपुरा में तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए एक सराय का निर्माण करवाया था। तो ये अकबर ने करवाया था। लूणी नदी का पानी कहाँ तक मीठा रहता है उसके बाद खारा हो जाता है। तो लूणा नदी का पानी जो है वो बालोतोरा तक मीठा होता है और उसके बाद खारा हो जाता है। किस बांध को अजमेर जिले का समुद्र कहते हैं। तो नारायण सागर बांध को अजमेर जिले का समुद्र कहते हैं। किस नदी को कालिदास ने अंत सलीला कहा है। तो लूणी नदी को कालिदास ने अत सलीला कहा है। आनासागर झील के किनारे बहादरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था।
तो ये करवाया था शाहजहाँ ने। कौन सी झील हिंदुओं का पांचवा तीर्थ उपनाम से प्रसिद्ध है? तो ये है पुष्कर झील, पांचवा तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। अजमेर जिले में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है? तो अजमेर में ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कौन सा बांध अजमेर जिले में नहीं है? तो इनमें से कौन सा बांध है जो अजमेर जिले में नहीं है? ये है मोती सागर बांध, लसाड़िया बांध, नारायण सागर बांध और मंडोली बांध। ये तीनों की तीनों अजमेर जिले में स्थित हैं, लेकिन मोती सागर बांध है ये अजमेर जिले में स्थित नहीं है। बिसलपुर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा करवाया गया था? तो बिसलपुर झील का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। किस नदी पर बांध बनाकर फाय सागर झील का निर्माण किया गया? तो फाय सागर झील का निर्माण किया गया ये मांडी नदी पर। कौन सी झील का निर्माण अकाल राहत के तहत किया गया था? तो अकाल राहत के तहत किया गया था ये थी फाय सागर झील। राजस्थान एकीकरण के किस चरण में अजमेर मेवाड़ को शामिल किया गया? तो किस चरण में अजमेर मेवाड़ को शामिल किया गया था, ये क्या था? सप्तम चरण में। अजमेर में मंगल्यावास में कल्पवृक्ष का मेला किस तिथि को लगता है? तो मंगल्यावास में कल्पवृक्ष का मेला श्रावण अमावस्या के दिन लगता है। पृथ्वी तरते के दरबारी कवि चंद्रभद्राई की महत्वपूर्ण रचना का क्या नाम था? तो उनकी जो महत्वपूर्ण रचना थी वो थी पृथ्वीराज रासो। निम्बार्क संप्रदाय को मारवाड़ में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो निम्बाई संप्रदाय को अन्य नाम से जाना जाता है नीमावत संप्रदाय के। अजयराज ने क्रमशः श्री अजय देव व अजय प्रिय नाम से सिक्के चलाए, ये सिक्के किस धातु के बने थे? तो ये थे चांदी के बने हुए सिक्के थे। चौहानों का पितृहंता कौन था? तो इनका जो पितृहंता थे वो थे जगदेव जी। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी। शाहजहाँ की सबसे बड़ी पुत्री जहान आरा बेगम ने अपनी पुस्तक मनीसल अखबार में किस मंदिर का वर्णन किया है? तो ये क्या है? खोबरा नाथ का मंदिर। शाहजहाँ की सबसे बड़ी निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य का बचपन कहाँ क्या नाम था? तो उनके जो बचपन का नाम था वो था भास्कर। किशनगढ़ में स्थित नवग्रहों का मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में किसने करवाया था? तो नवग्रहों का जो निर्माण करवाया गया था ये करवाया गया था रामनाथ सिंह मेहता के द्वारा। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी व जमाल शाह की उपस्थिति में की गई थी। सावित्री माता का मंदिर पुष्कर में किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो सावित्री माता का मंदिर रत्नगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है। राजपूताना संग्रहालय में किस काल तक की सामग्री संग्रहित है? तो राजपूताना संग्रहालय में 19 अक्टूबर 1908 तक की सामग्री संग्रहित है। राजपूताना संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो राजपूताना संग्रहालय की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी गुप्तकाल से लेकर मध्यकाल तक। कवि जनक ने पृथ्वीराज विजय नामक साहित्य ग्रंथ की रचना किस स्थान पर की थी? तो ये थी पुष्कर में की थी उसकी स्थापना। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने सर्वाधिक पुष्कर झील को नुकसान पहुंचाया है? तो सर्वाधिक पुष्कर झील को नुकसान पहुंचाया है ये है औरंगजेब। अजमेर में किस स्थान की पेच वर्क कला प्रसिद्ध है? तो ये तिलोनिया स्थान की पेच वर्क कला प्रसिद्ध है। किस नदी को सिक्कों की रानी कहा जाता है? तो सिक्कों की रानी कहा जाता है सोमल नदी को। 11 अक्टूबर 2017 को किशनगढ़ एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया था, यह प्रदेश का कौन से नंबर का एयरपोर्ट है? तो यह छठे नंबर का एयरपोर्ट है। प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ विकसित किया गया? तो प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क ये रूपनगढ़ में विकसित किया गया। पुष्कर झील के किनारे राजा मानसिंह प्रथम द्वारा निर्मित महल का नाम क्या है? तो ये मान महल इसका नाम है।
हिल स्टेशन के रूप में प्रसिद्ध है, तो हिल स्टेशन के रूप में प्रसिद्ध है टाटगढ़। कथक कलाकार पंडित दुर्गालाल किस कला में सिद्धिस्त थे? तो ये थे पखावज कला में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका देहांत अजमेर में हुआ था? तो अजमेर में हुआ था अर्जुनलाल सेठी का और दयानंद सरस्वती दोनों का जो निधन है अजमेर में हुआ था। सन 1997 में किस देश के सहयोग से पुष्कर झील की सफाई की गई? तो पुष्कर झील की सफाई की गई थी कनाडा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 3 मई 2016 को पुष्कर में सावित्री माता मंदिर पहाड़ी पर रोपवे की शुरुआत की। यह प्रदेश का कौन सा रोपवे था? तो यह प्रदेश का दूसरा रोपवे था। किस नदी को मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है? तो मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है, ये कहा जाता है लूणी नदी को। लूणी नदी को मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। नारायण सागर की नींव देश के किस राष्ट्रपति ने रखी? तो नारायण सागर की नींव रखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अजमेर जिले में रामसर में बकरी प्रजनन फार्म व विकास केंद्र किस देश के सहयोगी से स्थापित किया गया था? तो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, ये क्या था? स्विट्जरलैंड के सहयोग से। कानपुर के निवासियों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जिसने 7 नवंबर 2010 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, तो ये थी बराक ओबामा। राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी का नाम क्या है? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी है पद्मा डेयरी। राजस्थान में कौन सा किला मुस्लिम स्थापत्य कला का एकमात्र दुर्ग है? तो मुस्लिम स्थापत्य कला का एकमात्र दुर्ग है वो है अकबर का किला। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना अजमेर में सन 1967 में किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये की गई थी चेकोस्लोवाकिया के द्वारा, चेकोस्लोवाकिया। नेक्स्ट है, सेठ दामोदर दास द्वारा स्थापित राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? तो ये थी कृष्णा मिल। कौन सा स्थान परमारों की राजधानी कहा जाता है? तो परमारों की राजधानी रहा है, तो ये रहा है अराई। कौन सी जनजाति कनीपाव की गद्दी को अपना गुरुद्वार मानती है? तो कनीपाव की गद्दी को गुरुद्वार मानती है ये है कालबेलिया जनजाति। मेयो कॉलेज में प्रथम आचार्य कौन थे? तो मेयो कॉलेज के जो प्रथम आचार्य थे वो थे ओलिवर सेंट। राजस्थानी जलपरी के रूप में विख्यात तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश की पहली महिला तैराक कौन थी? तो देश की पहली महिला तैराक थी रीमा दत्ता। पुष्कर में 1936 में जन्मे राजस्थान के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक जिन्हें नगाड़े का जादूगर भी कहा जाता है, तो वो हैं रामकिशन सोलंकी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर कितनी बार आया था? तो इसकी दरगाह पर अकबर 14 बार आए थे। पहला सुल्तान जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, आना सागर झील का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? आना सागर झील का निर्माण कराया गया था रणोराज के द्वारा। कवि बाधव के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो कवि बाधव के नाम से विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम क्या था? तो पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम था नाट्य रंबा। किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? तो राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है पृथ्वीराज तृतीय को। राजस्थान में आधार योजना का शुरुआत अजमेर जिले में कब हुआ था? तो आधार योजना का शुरुआत 2 अगस्त 2011 को हुआ था। किस शैली को कागज शैली के नाम से भी जाना जाता है? तो कागज शैली के नाम से जाना जाता है किशनगढ़ शैली को। पुष्कर झील के बारे में सत्यकथन है, तो यहाँ पर सत्यकथन है इंग्लैंड की महारानी मैडम मेरी 1911 ईस्वी में इस झील को देखने आई थी, बिल्कुल सही है। पुष्कर झील में कुल 52 घाट निर्मित है, ये भी सही है। पुष्कर झील में गांधी घाट सबसे बड़ा घाट है, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी विकल्प सत्य हैं। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ये है लूणी नदी। अजमेर जिले को किस उपनाम से जाना जाता है? तो अजमेर जिले को राजपूताना की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है, भारत का मक्का भी और राजस्थान का हृदय भी। तो राजस्थान का जो हृदय है वो है अजमेर जिला, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अजमेर जिले की सीमा किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? तो जोधपुर जिले को स्पर्श नहीं करती है, भीलवाड़ा राजसमंद जयपुर नागौर टोंक और पाली इन सभी को स्पर्श करती है, लेकिन जोधपुर को स्पर्श नहीं करती है।
अजमेर जिले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अजमेर जिले की स्थापना की थी अजयराज के द्वारा। अजमेर जिले की सीमा कितने जिलों को स्पर्श करती है? तो ये करती है 6। मंगसेस पुरस्कार प्राप्त अरुणा राय की कर्मस्थली रही है? तो उसकी जो कर्मस्थली है वो है तिलोनिया। गावा फाड़ होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो गावा फाड़ होली जो है प्रसिद्ध है ये पुष्कर की। जनगणना 2011 के अनुसार अजमेर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार अजमेर जिले का जनसंख्या घनत्व है 305। जनगणना 2011 के अनुसार अजमेर जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो अजमेर जिले की साक्षरता दर है 69.33%। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले में है? तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो सबसे कम है ये है अजमेर जिला। तेजाजी को नाग ने किस स्थान पर डसा था? तो तेजाजी को नाग ने सेंदरिया स्थान पर डसा था। अजमेर जिले में सर्वाधिक पूजे जाने वाले देवता हैं? तो सर्वाधिक पूजे जाने वाले देवता हैं तेजाजी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है अजमेर में। मध्य अरावली का अरमान किस दुर्ग को कहते हैं? तो मध्य अरावली का दरमान जो है तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अजमेर जिले का आकार है तो ये है त्रिभुज के समान। एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय बंदर सिंदरी में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये है अजमेर जिले में। लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लोक सेवा आयोग का मुख्यालय स्थित है अजमेर में। किशनगढ़ की मीरा किसे कहते हैं? तो किशनगढ़ की मीरा कहते हैं बनी ठनी को। बनी ठनी को किशनगढ़ की मीरा कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर ये पुष्कर में स्थित है। हिंजड़ों की सबसे बड़ी बस्ती है? तो हिंजड़ों की सबसे बड़ी बस्ती है लाखन कोठारी। सहेलियों का बाजार लगता है? तो सहेलियों का बाजार लगता है अजमेर में। राजस्व प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो राजस्व प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है ये भी अजमेर में स्थित है। तो गाइज ये थे 100 मोस्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।